में से खास तौर पर आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि बहुत आसान सा है। चलिए सबसे पहले बता देंगे आपकी तोहफों में से एक खास तौर पर जो कि मैं अपने आज अपने वीडियो के जिस तरह वीडियो बना रहा था आपके सामने लेके आया। मेरे चैनल में जितने वज़ाइफ और टोटके हैं वो सब हकीम तारिक मोहम्मद साहब के बताए हुए हैं। उनकी वेबसाइट भी बताता हूँ, www.afri.org.ubqar, इस पर भी जाइएगा, हमारे चैनल में जाएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी टोटके मिल जाएंगे। इंशाल्लाह ये है कि साहब लाहौर में बैठे हैं, लाइव दर्द देते हैं, अपना मगर नमाज का दर्द होता है, इसका फ़ायदा हासिल होगा। तो आप सुना करें और उससे इस्तेफादा होगा इन शाला। तो फाइव टाइम नमाज की पाबंदी करें और दूसरी करें और थोड़ा सा अखबार भी किया करें, दुआ में गुलमत को याद रखें। टोटका बड़ा आसान सा है, देखिए टोटका ये है, अपने नाम से ठीक है। मोहतरम हकीम साहब, एक बंदे ने लिखा, उनके मैगजीन का भी हवाला देता हूँ मैं आपको। दामद मोहतरम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास नाम को खुद निकालने का एक कामयाब टोटका है जो कि अफ्रीकालीन की नज़र है। ये एक या आधा इंच मोटा 2 फुट लंबा डंडा लें, एक या आधा इंच मोटा 2 फुट लंबा डंडा लें, अक्रू बैठ कर ये डंडा घुटनों में दबा लें, हलवा या कोई नरम गज़ा सामने रख लें, 2 मिनट के बाद ये गज़ा इस्तेमाल करें, बाद गज़ा ये डंडा निकाल लें, नाप ठीक हो जाएगी। दोनों पाँव और घुटने मिले हों तो बेहतर है, अगर ना हो सके तो कोई हर्ज नहीं। ये टोटका मैंने कई अफराद से आजमाया है, कामयाब पाया है। अक्सर लोग मुझसे अपनी नाप निकलवाने आते हैं, मैं इनको यही टोटका बताता हूँ। एक बंदा यूँ बता रहा था, अपनी वैक्सीन का जो 2014 में छाया था उसका सफ़ा नंबर 23 पर आपको ये टोटका मिल जाएगा। www.afri.org.ubqar है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल www.youtube.com/afri.com। छोटा फेस देख रहे हैं की साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास नाप को खुद निकालने का कामयाब टोटका है जो कि अफ्री कायरिंग के नज़र कर रहा हूँ। एक या आधा इंच मोटा या 2 फुट लंबा डंडा लें, या आधे इंच का हो या 1 इंच का, या आधे इंच का मोटा डंडा हो, 2 फुट लंबा ले, अप्रूव बैठ कर ये डंडा घुटनों में दबाएँ। जैसे वो आँखों से बाहर नहीं बैठते, टांगों के बाहर बैठते हैं, दोनों टांगे जोड़ लेते हैं या पाँव के साथ जोड़ लें, वो हलवा या कोई नरम का सामने रख लें, तो 2 मिनट के बाद ये इस्तेमाल करेंगे। 2 मिनट तक आपने डंडा दबा के रखना है, बाद ये डंडा निकाल लें, 2 मिनट डंडा दबा के रखना है और 2 मिनट के बाद डंडा दबाए रखना है, गज़ा इस्तेमाल कर लें, गज़ा इस्तेमाल करके फिर डंडा निकाल दें, नाप ठीक हो जाएगी। दोनों पाँव घुटने मिले हों, दोनों पाँव घुटने मिले हों, ये एहतियात भी देख लीजिएगा, दोनों पाँव और घुटने मिले हों और दरम्यान में डंडा बनाओ, दोनों पाँव घुटनों के दरम्यान, तो बेहतर है ना, और बेहतर है तो हो जाए, लगना हो फिर तो कोई हर्ज नहीं। पाँव ना भी मिले घुटनों के साथ कोई बात नहीं, डंडे को दबा के रखें घुटनों में, तो कई प्राण ने यह दबाया है, कामयाब लाजवाब अक्सर लोग उनके पास होते हैं। ये उनका चैनल है www.afri.org, इस पर टोटके भी हैं, हमारे शफा में जाएंगे और वहाँ भी वज़ाइफ और टोटके हैं और सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी, डॉक्टर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।